अब देखो हमें ये इक्वेशन दी गई बिल्कुल सेम पैटर्न पे, अब हमने क्या करा कि सिंपली इसको एक्सपैंड करा। डायरेक्टली देख के हम लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, हमने इसकी टर्म को एक्सपैंड करा, a प्लस बी का होल क्यूब को एक्सपैंड करा, हम लोग इस फॉर्मेट तक आ गए। सिंपली 2x³ और इधर से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, हमें फाइनली जो इक्वेशन हमारी ऑब्टेन होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी। इस इक्वेशन में हमें रियलाइज हुआ कि अब की बार यहाँ पे क्यूबिक एक्सप्रेशन आ रही है, तो अब हमें ये समझ में आता है कि क्योंकि इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक से भी ज़्यादा वाली टर्म अगर आ गई तो ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनी। हमारा फॉर्मेट क्या है, ax² + bx + c क्वाड्रेटिक से भी ज़्यादा वाली टर्म अगर आ गई तो ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनी। हमारा फॉर्मेट क्या है, ax² + bx + c = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। बस इतनी सी बात को हमने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मेरे मन में ये थॉट आता है कि क्यों कर रहे हैं हम ये टॉपिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, तो इस टॉपिक में एक्चुअली हमारे करने का काम क्या होगा? तो जो मेन टास्क हमारे एंड पे आने वाला है ना, वो चलो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करना तो स्टार्ट कर दिया, उस पर आगे भी क्वेश्चंस देखते रहेंगे, पर जो मेन टास्क हमारे करने का है वो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो जो मेन हमने काम करना है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके उसका जवाब निकालना है। हमने एक्स को फाइंड करना होता है, तो अब एक्स को फाइंड करने का लीनियर इक्वेशन में तरीका तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जैसे हमने 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 को सॉल्व करा, वहाँ से हमने एक्स निकाल दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मेन टास्क है, अब वो ज़रा देखना शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन आएगा कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके हमसे कहेंगे कि इसका जवाब फाइंड करो, इसके रूट्स फाइंड करो। तो जो मेन टास्क है अब उसको देखना शुरू करते हैं। चलो अब बस इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब ये देखो, देखो लीनियर इक्वेशन नाम हमने देखा हुआ है, हमें किसी ने मान लो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 बोला, तो वहां से हमने x की वैल्यू 3/2 निकाल ली। ये एक लीनियर इक्वेशन थी, ये इसका जवाब है। तो जो लीनियर इक्वेशन का फाइनली आंसर आया है ना, उसको उस लीनियर इक्वेशन का रूट बोलते हैं। ये इस लीनियर इक्वेशन का रूट है, इसका रूट क्या है, x इज इक्वल टू 3/2, इसके जवाब को इसका रूट बोलते हैं। तो इस केस में x की डिग्री कितनी थी, 1। अब मान लो किसी ने हमें क्वेश्चन दिया x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कैसी बनी, क्वाड्रेटिक। अब जो नोटिस करने वाली बात है वो ये कि जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री बढ़ती है उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स बढ़ते हैं। इस केस में जो इक्वेशन की डिग्री थी इट वॉज 1, x की पावर 1 थी, यहां पे अब की बार x की पावर 2 है, तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो दो सॉल्यूशंस आएंगे, देयर वुड बी टू सॉल्यूशंस। तो अब जो दो सॉल्यूशंस आएंगे उनको हम लोग इस इक्वेशन के दो रूट्स बोलते हैं। तो नाउ वी हैव टू एक्चुअली फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का बिल्कुल वही मतलब है जो कि हमने कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज नाम बोला था। जो पॉलिनोमियल के जीरोज हैं वही उसको इक्वल टू जीरो करने पे इस इक्वेशन के रूट्स बन गए। तो अब हम लोग ये पता करने लगे हैं कि एक्स की क्या वैल्यूज लें जिससे कि ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। तो कैसे करें सॉल्व, तो इसका जो पहला हम लोग जो टूल यूज करेंगे इसको फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यूज, दैट इज फैक्टराइजेशन। इसको सिंपल फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करेंगे। सिंपली हम लोग इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करा, ये आ गया x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा, इसको फैक्टराइज कर लिया, x माइनस 5 प्लस 2 इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमारे पास एक्सप्रेशन ये जनरेट हो गई, x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0।
तो अब जो नोटिस करने वाली बात है वो ये कि अगर अब ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, अगर दो टर्म्स के मल्टीप्लाई करने पे आंसर अगर जीरो आ रहा है, मान लो ए और बी को हम लोग मल्टीप्लाई करें और आंसर अगर जीरो आता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा या फिर दोनों ही जीरो होंगे। तो अब इस केस में अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जवाब अगर जीरो बन रहा है तो हमें समझ में आता है कि x माइनस फाइव जीरो होगा या फिर x प्लस टू जीरो होगा। तो x का पॉसिबल आंसर क्या बना, फाइव या फिर माइनस टू। तो ये हमने क्या करा कि इसको फैक्टराइज करके इस सिचुएशन पे ले आए, यहां से आके हम इजीली बोल सके कि दो चीजों को मल्टीप्लाई करके आंसर अगर जीरो आ रहा है तो या तो ये जीरो या फिर ये जीरो। तो x का आंसर क्या बना, फाइव और माइनस टू। इक्वेशन की डिग्री क्या थी, टू। इसके रूट्स कितने आने थे, दो रूट्स आने थे और वो हमने ऑब्टेन कर लिए, वो है फाइव और माइनस टू। तो अब क्वेश्चंस में अब इनको पहला सेंस पकड़ो, हमें कहा जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने में जो पहला टूल हमें दिखा फायदे का, दैट इज सिंपल फैक्टराइजेशन। सिंपली टर्म को फैक्टराइज करके हम लोग उसको इस सिचुएशन में ले आएंगे, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो, फिर उसको ऐसे बोल पाएंगे आसानी से। अब चलो इसी प्रोसेस को सोचते हुए अब इस क्वेश्चन को जरा अपने आप अटेम्प्ट करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, सिंपली फैक्टराइज करके इस इक्वेशन के रूट्स निकालने की करो। चलो ये क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करो। अभी हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट, हमें कहा गया था कि इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करो। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, मतलब एक्स की डिग्री कितनी है, टू, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, दो। डायरेक्टली हम लोग इसके आंसर पे पहुंच नहीं पा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए था कि इस एक्सप्रेशन को सिंपली फैक्टराइज कर लेना चाहिए था। तो हमने इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करी, एक्स को हमने स्प्लिट करना है दो टर्म्स में जिनको कि मल्टीप्लाई करने पर आंसर माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर बने, टू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस सिक्स, तो वो तो ईजिली हो सका, फोर एक्स और माइनस थ्री एक्स। सिंपल हमने काम क्या करा जो हमें पहले से आता है, दैट इज फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइज करा, टू एक्स कॉमन एक्स प्लस टू, माइनस थ्री कॉमन एक्स प्लस टू, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके जवाब अगर जीरो बना, देखो ये बात बस जीरो के लिए वैलिड होती है, ये बहुत काम की बात है, इसको ध्यान में रखना। दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आंसर अगर जीरो आया तो या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, तभी तो मल्टीप्लाई करके आंसर जीरो बन पा रहा है। तो अगर ये एक्सप्रेशन जीरो तो वहां से एक्स का आंसर आ गया थ्री बाई टू, और अगर ये एक्सप्रेशन जीरो तो एक्स प्लस टू जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। ये हमारे दो पॉसिबल आंसर्स हैं। तो ये हमने इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लिए, इसके सॉल्यूशंस को इसका रूट्स बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दोनों रूट्स आ गए। अब नेक्स्ट करो अटेम्प्ट।